ये गायत्री है हमारी बहू। परंतु हमें ऐसा क्यों लगता है कि हम इन्हें जानते हैं? हम कल सुबह इस घर को छोड़कर चले जाएंगे। यहाँ आने से पहले हम आपसे कभी नहीं मिले, फिर क्यों जब भी हम आपकी तस्वीर देखते हैं हमें ऐसा लगता है जैसे हम आपको जानते हैं? अगर इसे कुछ हो गया तो लोगों का भक्ति से विश्वास उठ जाएगा और मैं ये कभी नहीं देख सकती कि मेरी माँ पर से किसी का विश्वास उठ जाए। मेरे पति ने तो मुझे मारने की ठान ही ली है, लेकिन जो जीवन दान आप मुझे देना चाहती हैं वो इसे दे दीजिए। कालिका दीदी, कालिका दीदी, दीदी यहां भी नहीं है, कहां जा सकती है दीदी? दीदी, कालिका दीदी, कालिका दीदी, दीदी, अरे अर्जुन बेटा। जी। ये सुबह सुबह तुम कालिका को क्यों ढूंढ रहे हो? वो पता नहीं कहाँ चली गई, आपने उन्हें देखा? अरे बेटा सुबह का वक्त है, मंदिर में पूजा कर रही होगी। नहीं माँ जी, वो वहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ गई होगी? कौन कहाँ गई होगी माँ? अर्जुन, अर्जुन आसपास के सब जगह ढूंढ लिया लेकिन कालिका दीदी मुझे कहीं नहीं मिली। लेकिन इस तरह चुपचाप बिना बताए कहां जा सकती है कालिका? जीवन की दो राह पर खड़े हैं अम्मा, हमें प्यार और फर्ज में से किसी एक को चुनना है। कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करें, हमें रास्ता दिखाओ मां। लगता है तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया। इस उत्तर ने हमारे मन में कई सवाल पैदा कर दिए हैं गुरुजी। हम गायत्री का शेष जीवन जी रहे हैं। मरने से पहले गायत्री ने अपनी बाकी जिंदगी हमारे नाम कर दी थी। तुम्हें ये सब कैसे पता चला? जगराते में हम आंखें बंद करके माँ का ध्यान किए हुए थे, तब हमें गायत्री की शक्ल दिखाई दी, सब कुछ साफ नजर आ गया, सारा भेद खुल गया हम पे। अब हमें पता चला
क्यों हमें गायत्री की तस्वीर देखकर ऐसा लगता था कि हम उन्हें जानते हैं? यानी एक देवी भक्त ने दूसरे देवी भक्त को जीवन दान दिया, लेकिन इस दान ने हमें गायत्री का कर्जदार बना दिया है। गुरुजी, हमें अब एक निश्चय लेना है, हमें प्यार और कर्तव्य के बीच किसी एक को चुनना है। कलिका, जो भी निश्चय लोगी सोच समझ कर लेना। गुरुजी, हमें ऐसा क्यों लगता है कि आप हमारा भविष्य जानते हैं लेकिन हमसे छिपा रहे हैं? अजीब संजोग है, एक दिन इसी जगह पर गायत्री ने भी मुझसे यही प्रश्न पूछा था। गुरुजी, जब भी मैं आपसे मिलती हूँ मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे आप मेरे भविष्य के बारे में कुछ जानते हैं? भविष्यवाणी जानने के लिए जन्म पत्री देखनी पड़ती है, और अब तक मैंने तुम्हारी जन्म पत्री नहीं देखी। आप गायत्री का भविष्य जानते थे लेकिन आपने उन्हें बताया नहीं। नहीं, अगर आप बता देते गुरुजी तो आज गायत्री जिंदा होती। परंतु तुम जीवित नहीं होती। अगर गायत्री देवी मां से प्रार्थना करके तुम्हें अपना जीवन दे सकती थी तो उसी प्रार्थना से वो अपने प्राण भी बचा सकती थी। हम क्या करें गुरुजी? निश्चय। लेकिन अगर हमने गलत निश्चय कर लिया तो? श्रद्धा रखो कलिका, अगर देवी माँ तुम्हें यहां लाई है तो उसके पीछे अवश्य कोई कारण है। क्या विक्रम जी से शादी करना भी हमारा फर्ज है? तो ऐसे बैठे हैं जैसे किसी की मौत हो गई हो। ये तुम क्या कह रही हो कविता? क्यों, मैं क्या गलत कह रही हूं? इतना अफसोस तो आप लोगों को वासु की मौत पर भी नहीं हुआ था जितना कलिका के ना मिलने पर हो रहा है। अरे कम से कम कलिका जिंदा तो है। क्यों राधिका, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ, नहीं, तुम गलत नहीं कह रही हो, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। चाची जी, कलिका कोई बच्ची थोड़ी ना है, यहीं गई होगी, आ जाएगी। लेकिन बिना बताए तो कलिका कहीं नहीं जाती। बाबूजी, मैं फिर से एक बार देख कर आता हूँ। विक्रम, तुम कहाँ जाओगे बेटा? अरे हाँ विक्रम, आप कहाँ जाएंगे? पहले ही तो आप दो चक्कर लगा चुके हैं। राधिका जी, आपकी बहन के लिए दो चक्कर क्या, मैं तो हजार चक्कर लगा सकता।
आ गई आप सबकी चहेती। उतारिए आरती। कहाँ चली गई थी तुम? हम लोग कितनी चिंता कर रहे थे। माफ कीजिएगा बाबूजी, हम आपको बिना बताए चले गए। लेकिन आप गए कहाँ थी? मंदिर। बेटी अगर मंदिर जाना था तो मुझे कह कर जाती, मैं चढ़ावा भेज देती। चढ़ावा? कैसा चढ़ावा? आज गायत्री का जन्मदिन है। देखो बेटी, फिर कभी बाहर जाओ तो बता कर जाना। जी। हम आपके कर्जदार हैं और हमेशा रहेंगे। हमने इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, हम नहीं जानते क्यों किया। शायद उसमें आपकी मर्जी थी। शायद आपकी अधूरी इच्छा थी जो हमें पूरी करनी थी। लेकिन हमने जो कुछ भी किया, अपने दिल से, अपनी आत्मा से, अपना फर्ज समझ के किया। लेकिन विक्रम जी से शादी का फैसला ना हम दिल से ले सकते और ना ही आत्मा से। क्या विक्रम जी से शादी करना भी हमारा फर्ज है? ये देवी है या क्या शादी करके कोई कर्ज चुकाया जा सकता है? ये औरत है या है देवी? कलिका जी, किसकी शादी से किसका कर्ज चुकाने की बात कर रही हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। नहीं बताइए ना, मैं जानना चाहता। हमने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। कलिका जी, मैंने समझा कि आप मुझे अपना समझती हैं, इसलिए पूछा। लेकिन शायद आप मुझे इस लायक नहीं समझती। आप हमारी बात का बुरा मान गए। वो अर्जुन से तर्क को लेकर बहस हो रही थी हमारी। कैसी बहस? अर्जुन का कहना है कि माता पिता की इच्छा से शादी करना बच्चों का फर्ज होता है और ऐसा ना करने पर हम उनके कर्जदार बने रहते हैं। हाँ, तो अर्जुन का तर्क बिल्कुल सही है। माता पिता बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करते हैं। बच्चों पर माता पिता का कर्ज होता है और उसे चुकाना बच्चों का फर्ज होता है। और प्यार? क्या शादी के फैसले में प्यार की कोई जगह नहीं? बिल्कुल है, लेकिन कलिका जी, मां बाप के प्रति फर्ज के सामने प्यार बेमाने होता है।
आपको मेरी बात अच्छी नहीं लगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कलिका जी, हमारी जिंदगी पर सबसे ज्यादा हक माता पिता का होता है, और ये बात मैंने आपसे ही सीखी। आपके ऑफिस जाने का समय हो रहा है, हम नाश्ता लगाते हैं। कलिका जी, आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आज जब आप देर से घर लौटी तो मेरा दिल बहुत घबरा रहा था। मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया। आइंदा ऐसे मत कीजिएगा। Again. Carry on. Oh God. अब कहाँ खो गए आप? कुछ नहीं। कुछ नहीं? बहुत कुछ है। कलिका, पहले तुम मेरी हर बात को ध्यान से सुना करती, जबकि मैं ध्यान से कहता भी नहीं था। और अब है कि आप नहीं जानते हम पर क्या बीत रही है। हमने पहली बार विक्रम जी से झूठ बोला है। जानता हूं कलिका, तुम कह चुकी हो, और ये भी जानता हूं कि तुम पर क्या बीत रही है, क्योंकि क्योंकि दर्द यहां भी हो रहा है। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। सच का सामना करो कलिका। माँ जी बाऊ जी विक्रम को सब कुछ सच सच बता दो। कह दो उनसे कि वो एक गलत फहमी थी। लेकिन ऐसा करने से उनका दिल टूट जाएगा। और विक्रम जी वो तो। लेकिन कलिका, कलिका ये भी तो सोचो कि आज तुम एक झूठ, कल दूसरा झूठ, परसों तीसरा झूठ, और एक दिन अपने आप को झूठ के अंबार के नीचे पाओगे। कलिका, एक सच 100 झूठ को पल भर में खत्म कर सकता है, लेकिन 100 झूठ एक सच को कभी नहीं छुपा सकते। और ये बात मुझसे बेहतर तुम जानती हो। लेकिन हम डरते हैं, डरते हैं कि ये सच माँ जी और बाबूजी के घर को बिखेर के रख देगा। हम ऐसा कैसे करेंगे? हिम्मत नहीं है हमें। प्यार करती हूँ मुझसे, विश्वास करती हूँ मुझ पर। तो लेकिन कहाँ? चलो तो सही, इधर क्या जा रहे? कलिका, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसमें तुम्हारी मर्जी शामिल हो। कम ये है। मेरे पास तुम्हारी सारी टेंशन का टिकाऊ इलाज है, जिसे भारत में कहते हैं राज ब्रांड नुस्खा, और विदेश में कहते हैं पोलिंग। पकड़ो। हाँ, ऐसे नहीं, ये हाँ, ये अंगूठा यहां डालो, और ये ऐसे कैच। और अब मेरी बात ध्यान से सुनो कलिका। ये सारी की सारी पिल्स तुम्हारी टेंशन है, और ये बॉल उस टेंशन का इलाज। इस बॉल को इतनी जोर से फेंको कि तुम्हारी सारी टेंशन दूर हो जाए। कम ऑन कलिका, थ्रो द बॉल। बॉल को फेंको कलिका, थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल। कलिका, कलिका, ये सारे के सारे थिंग्स तुम्हारी परेशानी, परेशानी। इस बॉल से भी सारी परेशानी को दूर नहीं। तो कलिका, तो कलिका, थ्रो द बॉल, थ्रो द बॉल, कलिका, थ्रो इट, थ्रो इट कलिका, कम ऑन, फेंक कलिका, थ्रो द बॉल। यस, नो प्रॉब्लम कलिका, बहुत सी गोलियां, दोबारा ट्राई करो। नहीं होगा हमसे, नहीं होगा,
हम अपने हाथों अपने घर की खुशियां इस तरह नहीं रोन सकते। कालिका? नहीं कर सकते हमें। जी हाँ, यह क्या बात है? आप परेशान लग रही है, बात क्या है कलिका जी? सब ठीक तो है ना जी? ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हम आपको देखकर ऐसे लग तो नहीं रहा कि आप ठीक है। आप सही कह रहे हैं मिस्टर विक्रम। राज, आप यहां? हाय भैया, कलिका जी को क्या हो गया? हार गई है कलिका। हार गई? किससे? अपने विश्वास से, सच से। नामुमकिन है कलिका जी, विश्वास और सच के सामने कभी नहीं हार सकते। इट्स इम्पॉसिबल राज। आई एम सॉरी मिस्टर विक्रम, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरी मजाक करने की बहुत सीरियस आदत है, और जब भी मजाक करता हूं लोग सीरियसली ले लेते हैं। देखिए ना, हंसते हंसते आंखों में पानी आ गया। I'm sorry. आपने सही कहा मिस्टर विक्रम, कलिका सच के सामने कभी नहीं हार सकती। कलिका तो सच की शक्ति है। You're right, Raj. लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कलिका जी इस तरह भाग कर क्यों आ रही थी। एक्चुअली कोई खास बात नहीं है। कलिका ने मुझसे 1,000 रुपए की शर्त लगाई थी कि वो बोलिंग में मुझे हरा देगी, और वो शर्त हार गई। मैंने इनसे पैसे मांगे जो उनके पास अभी नहीं थे, तो वो मुझसे लड़ पड़ी। मैंने इनको छेड़ दिया, बस इनको रोना आ गया और वहां से भाग गई। ये लीजिए। ये क्या कर रहे हैं मिस्टर विक्रम? शर्त के पैसे। इट वाज जस्ट अ गेम। राज, ये आपके लिए गेम हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये कलिका जी का कर्ज है, और मैं नहीं चाहता कि किसी का भी कर्ज कलिका जी पर रहे। ये रखिए। और एक बात और राज, हमारे परिवार पर आपके बहुत सारे एहसान हैं, इसलिए इस बार मैं कुछ नहीं कहूंगा आपसे। लेकिन आइंदा आप कलिका जी को कभी नहीं छेड़ेंगे।
बहुत स्वीट हो आप दोनों भाई। अरे मजाक कर रहा था मैं राज, कभी कभी कर लेता हूँ। कमाल करते हैं आप मिस्टर विक्रम, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। चले कलिका जी। जी राज। कलिका जी, आपसे एक बात पूछनी है। क्या राज सच कह रहा था? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? कलिका जी, ये जो शब्द हैं, श्रद्धा, सच, विश्वास, आस्था, ये मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती थी। इनका मतलब मैंने आपसे सीखा। अपने आप से ज्यादा मुझे आप पर विश्वास है, इसलिए अगर आप कहती हैं कि राज सच कह रहा था, तो यही मेरे लिए सच होगा कि राज सच कह रहा था। जी राज सच कह रहे थे। ठीक है, बैठिए ना। कि आज तुम एक झूठ, कल दूसरा झूठ, परसों तीसरा झूठ, और एक दिन अपने आप को झूठ के अंबार के नीचे पाओगे। मामा आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन मुझे विक्रम भैया और कलिका के शादी के रिश्ते से इनकार है। जिस औरत ने मेरा सुहाग उजाड़ दिया, उसे मैं अपनी भाभी नहीं मानूंगी। दीदी, आपके दिमाग में एक बात बैठ गई है। कलिका दीदी ने जीजू का खून नहीं किया है, आप ये बात मान क्यों नहीं लेती? क्योंकि वो मेरे पति थे, और ये बात उन्होंने ही मुझे बताई थी कि कलिका उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपने पति की बातों पर पूरा यकीन है। आज अगर मैं विधवा हूं तो वो सिर्फ कलिका की वजह से। बेटी तुम गलतफहमी का शिकार हो, बात को समझने की कोशिश करो। मामा आप लोग बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? अपने दामाद के खूनी को आप इस घर की बहू बनाना चाहते हैं? बस करो कविता, बस करो। मैं तुम्हारा दुख समझता हूं, इसीलिए तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रहा हूं, लेकिन हर बात की एक सीमा होती है, एक हद होती है। पापा यही तो मैं भी कहने की कोशिश कर रही हूं कि हर बात की एक हद होती है। आप लोग चाहे जो भी कह लीजिए, लेकिन मैं कलिका को अपनी भाभी कभी नहीं बनने दूंगी। हेलो, मैं बोल रहा हूँ। आप? यही जानने के लिए फोन किया था कि विक्रम ने मेरे कहे झूठ पर विश्वास किया या नहीं। आपको ऐसा क्यों लगा? कलिका, अगर विक्रम की जगह मैं होता ना, तो मैं भी अपनी होने वाली बीवी से यही पूछता। सच बता दो कलिका, अभी भी वक्त है, और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती तो मुझे मजबूरन करना होगा। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। किसका फोन है कलिका बेटी? रॉन्ग नंबर है बाबूजी। हाँ। एक और झूठ। ऐसा मत करो कलिका, सच बता दो। हमने प्यार किया है,
तुम्हारे प्यार को यूं बदनाम मत होने दो, मत होने दो। हम जानते हैं मां, हम राज को बहुत दुख पहुंचा रहे हैं। हमें शक्ति दो, हम माँ जी को सब कुछ सच सच बताने जा रहे हैं। हमें शक्ति दो, हम उन्हें सब कुछ सच बता सके। तो फिर क्या हुआ? हुआ यूं कि उसने, अरे कलिका बेटी आओ बैठो, राधिका तुम्हारे गांव का किस्सा सुना रही है, बैठो। अच्छा अच्छा बैठ, सुन बैठ जाओ। अच्छा तो चाची जी, हुआ यूं कि ललिता ने ये सबसे छुपा कर रखा, वो किसी और से प्यार करती थी। कौन ललिता? हमें तो कोई ललिता याद नहीं है। और वो ये बहुत पुरानी बात है, तुझे कैसे याद रहेगा, तो सुन तो सही। हाँ तो चाची जी, उसने ये बात ऐन वक्त तक छुपा के रखी, जब तक पानी सर से नहीं गुजर गया। इसका मतलब है वो ऐन समय तक चुप रही? हाँ चाची जी, अरे बारात दरवाजे पे आ गई थी। हे राम, अरे आप अभी से हे राम कर रही हैं? अभी तो पूरी रामायण बाकी है। हे भगवान, क्या बताऊं, वो तो अपने ब्याह का मंडप छोड़कर चली गई थी। उसके बेचारे माँ बाप, मत पूछिए चाची जी, उन्होंने तो गांव के कुएं में कूद कर जान ही दे दी। और बेचारे बेचारे लड़के वाले, उनकी तो मत ही पूछिए। और वो बेचारा लड़का, वो तो पागल ही हो गया था, मारा मारा फिरता था गांव में। बहुत बुरा हुआ। अगर ललिता को शादी नहीं करनी थी तो उसने शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? हो सकता है डर गई होगी बेचारी, है ना? राधिका, अगर वो डर गई थी तो शादी की रात उसमें इतनी हिम्मत कैसे आ गई? नहीं राधिका, मैं नहीं मानती, ललिता ने जरूर पाप किया है। बिल्कुल पाप किया है, अरे घोर पाप किया है। अब कालिका, तुम कभी ऐसा मत करना। राधिका, ये तूने क्या कह दिया? तुम्हें कलिता और ललिता में अंतर नहीं पता? नहीं नहीं चाची जी, वो गलती हो गई, वो तो मैंने यूं ही। नहीं राधिका, तुमने गलत बात की है, तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल ठीक कहा आपने चाची जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, आग लग गई इस मुई जवान को, मुझे माफ कर देना। बेटी इसे माफ कर दो। ये क्या चाची जी, आप कलिका को बेटी बेटी क्या करती रहती हैं? आपको तो कलिका को बहू बुलाना चाहिए, बहू बुलाइए ना बहू। कलिका, सगाई से पहले मैं तुम्हें बहू बुला सकती हूँ ना? ए लो चाची जी, आप भी कमाल करती हैं, बहू से बहू को बहू बुलाने की इजाजत मांगती हैं, बुलाइए ना बहू। अरे इसे क्या हुआ? बड़ी संस्कारों वाली है मेरी बहन, शर्मा गई। तुम सब मेरी उंगलियों पर नाचने वाली कठपुतलियां हो, जैसे चाहूं नचा सकती हूं। कहते हैं ना कि रोने से जी हल्का हो जाता है। आप क्यों हमारे लिए मुश्किलें बढ़ा रही हैं? हम वैसे ही बहुत दुविधा में हैं। अरे मेरी प्यारी बहन, मैं तो तेरी दुविधा ही दूर करने की कोशिश कर रही थी, कहीं वो शादी के समय तेरे कदम डगमगा गए ना, तो ललिता की कहानी को याद कर लेना। क्यों माँ जी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है?
क्या मिलेगा तुम्हें ये सब करके? क्या मिलेगा इस घर को बर्बाद करके, हमारी जिंदगी नरक बना के? सच कहो, स्वर्ग चाची जी का ये घर कुछ स्वर्ग से कम थोड़ी ना है, है ना? स्टाइल है, कुछ लोग प्यार में खींचे चले आते, मैं लटक के आ रहा हूं। अब पूरा इंटरव्यू यहां लटके लटके दूं क्या? ऊपर खींचो ना। गिर जाते तो ये लो, अभी तक तो तुम्हें इस बात की परेशानी थी कि मैं इतनी देर रात क्यों आया, और अब तुम इस बात को लेकर परेशान हो कि अगर मैं गिर जाता तो क्या होता। यहां हमारी जान निकल रही है और आपको मजाक सूझ रहा है। ओके सॉरी। अच्छा एक काम करो, मेरे लिए एक प्याली चाय की बना दो, और सुनो शक्कर कम डालना, क्योंकि तुम्हारे इन हाथों की मिठास ही काफी है। क्या वो ऐसे क्या देख रहे हो भाई? तुम्हारे घर आया, चाय पिलाऊंगी या नहीं? Come on, यहां भी कुछ नहीं, तो फिर आवाज कैसे आई? इधर देखो, जिंदगी को जाते हुए देख रहा हूं और कुछ नहीं कर पा रहा हूं। उल्टे खड़े हो जाते ये सोचकर कि कुछ दिनों में तो विक्रम की मंगेतर बन जाऊंगी। इतना सा ख्याल भी मेरे दिल को अरे की तरह काटता है, पागल हो जाता हूं मैं। बस कीजिए, अब और नहीं सुना जाता। जब राज के प्यार से विक्रम की मंगेतर तक का सफर तुम बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, तो मंगेतर से पति तक का सफर क्या निभा पाओगी? अगर यही भविष्य है तो हमें इसका सामना करना होगा। अगर देवी माँ ने हमारे लिए ये रास्ता चुना है तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा। कलिका, जिस भविष्य की तुम बात कर रही हो उसकी तस्वीर जानती हो तो सोचो कलिका, जिस फर्ज के लिए तुम आज अपना प्यार कुर्बान कर रही हो उस मंजिल तक पहुंचकर उसे निभा पाओगी, टाल पाओगी विक्रम के हाथों से अपनी मांग में सिद्ध, पहन पाओगी उसके नाम का मंगल सूत्र, विक्रम की लंबी उम्र के लिए चौथ का व्रत रख पाओगे, बोलो कलिका, बोलो। नहीं नहीं, हम ये सब नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हम विक्रम जी की इज्जत करते हैं, उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन लेकिन हम उन्हें अपना पति नहीं मान सकते, नहीं मान सकते।
कलिका, हमने प्यार किया है, कोई पाप नहीं, पर अगर तुमने झूठ का सहारा लिया तो ये पाप होगा। कलिका जी, विक्रम जी आ गए, जाओ जाओ यहां से, जाओ राज। कलिका, पता चल जाने दो। नहीं नहीं, इस तरह से नहीं, उन्हें बहुत दुख होगा। जाओ कलिका, तुम मुझे एक वादा करो कि तुम विक्रम को सब कुछ सच सच बता दोगे। हाँ बता देंगे, लेकिन इस वक्त जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारा पोलिंग आने में इंतजार करूंगा, तुम आओगे। हाँ आओ आएंगे। और सुनो, अगर तुमने विक्रम को सच सच नहीं बताया